Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do Law and Social Justice from Social and Political Life, Grade 8, CBSE. This is in Unit 3 chapter. Do you recall the story of a shirt from your class 7th book? Aapko yaad hai wali story jo aapne padhi thi, the story of a shirt, aur ye aapne padhi thi 7th standard ki book mein. We saw that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. हमने देखा था कि किस तरह से एक चेन बनी हुई है पूरे मार्केट में जो लिंक करती है जिसको जो कि कॉटन उगाता है और जो बायर शर्ट खरीदता है सुपरमार्केट का उसमें एक पूरी लिंक या चेन बनी हुई है. बाइंग एंड सेलिंग वाज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. और इस चेन में हर स्टेप पे क्या हो रहा था, खरीदी भी हो रही थी और बेचा भी जा रहा था. मेनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट. बहुत से लोग चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा जाए इन्वॉल्व थे इस शर्ट के प्रोडक्शन में. द स्मॉलर फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, जो छोटा किसान है वो कॉटन उगा रहा था. वीवर्स ऑफ द इरोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट. फिर इसके बाद वीवर्स आ गए इरोड के या वर्कर्स जो कि गारमेंट में काम करते थे. एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री थी उसमें जो वर्कर्स काम करते थे. फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑन एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट, या तो उनके साथ थोड़ा सा कहना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन होता था या फिर उनके साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं होती थी मार्केट के अंदर. मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेड ऑफ पीपल वेदर एज वर्कर्स कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स. मार्केट हमेशा से हर जगह एक्सप्लॉयट करता है पीपल को, चाहे वो वर्कर हो, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉस. इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाई हैं. दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट द मिनिमम इन द मार्केट्स. इन लॉज की क्या कोशिश रहती है कि जो भी मार्केट है उसमें इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत कम मात्रा में हो. लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक कॉमन मार्केट सिचुएशन लेते हैं या आमतौर की जो मार्केट सिचुएशन है उसको लेते हैं, देखें कैसे वहां पर लॉ बहुत जरूरी है. दिस इज द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेस. यहाँ पर एक इशू है वर्कर की वेजेस को, यानी कि उनके पैसों को लेकर. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन नॉर्मली वॉन्ट टू मेक मच प्रॉफिट एज दे कैन. जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो बिजनेस पर्सन होते हैं, उनकी ज्यादातर इच्छा ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकें. इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाय वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेस फॉर एग्जाम्पल. अब इस प्रॉफिट की होड़ में वो लोग क्या करते हैं कि कई बार वो वर्कर्स को जो है उनके हक नहीं देते हैं, उनको उनकी जो काम करने के पैसे बनते हैं वो नहीं देते हैं. इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाय वर्कर्स और देयर वेजेस. और अगर कानून की नजर से देखा जाए तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है या गलत है कि किसी भी वर्कर को उसका वेज नहीं दिया जाए, यानी उसको उसके काम करने के पैसे ना दिए जाए. सिमिलरली टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और आर पेड फेयरली देयर इज अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस. अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्कर्स को कहीं ऐसा हो कि बहुत कम पैसे मिल रहे हैं या अगर सही पैसे मिल रहे हैं तो इस बात के लिए भी एक लॉ बनाई गई है, सबसे कम से कम पैसों के लिए भी. अ वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर. और कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर को जो मिनिमम वेज है उससे कम पैसे नहीं दे सकता. द मिनिमम वेज आर रिवाइज अपवर्ड एवरी फ्यू इयर्स. ये जो मिनिमम वेजेस हैं, यानी इतना तो पैसा मिलना ही मिलना है, ये हर कुछ सालों में रिवाइज किया जाता है. एज विद द लॉ ऑन द मिनिमम वेजेस व्हिच इज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स देयर आर आल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट. अब अगर देखा जाए कि मिनिमम वेजेस के लिए जो लॉ है उससे वर्कर्स का काफी हद तक प्रोटेक्शन होता है, पर ऐसे ही बहुत सारी लॉज और भी हैं जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो कि मार्केट में हैं उनके इंटरेस्ट को भी बचाती हैं. These help ensures that the relation between these three parties, worker, consumer and producer, are governed in a manner that are not exploitative. अब इससे क्या फायदा होता है कि ये जो relation है इन तीनों parties में, worker हो, consumer हो या producer हो, ये इस तरह से चलाई जाती है कि इनमें किसी का भी exploitation नहीं होता, यानी शोषण नहीं होता.